अमनीश अग्रवाल प्रभुदास लीलाधर से मरसा जुड़ रहे हैं, आपको बताएंगे आज का मुनाफे का फंडा। अमनीश शुक्रिया समय देने के लिए, आपकी लिस्ट में कौन सा शेयर है उसकी वजह बताइएगा कि क्यों आप उस पर बुलिश हैं। तो काफी फायदा रहेगा बिकॉज सीवी साइकिल इस टाइम पे अच्छा चल रहा है और अमनीश कमर्शियल व्हीकल्स की डिमांड इंक्रीज हो रही है, दैट इज वन। और दूसरा जो रॉ मटेरियल्स के अंदर इस टाइम पे थोड़ा सॉफ्टनिंग है, स्टील का भाव बाकी चीजों का भाव कम हो रहा है, तो उसके कारण भी शुक्ल लेलैंड को फायदा रहेगा। तो काफी देर से ये स्टॉक 140-145 के लेवल पे घूम रहा है, सो आई थिंक अगले एक साल के अंदर हमारा 200 रुपये का इसके ऊपर टारगेट है। तो यहाँ पे इट्स अ वेरी गुड टाइम टू एक्यूमुलेट अ शुक्ल लेलैंड। राइट, ठीक है अमनीश, ये तो एक स्टॉक को आप अशोक लेलैंड और आप टारगेट 200 तक का देखते हैं, दूसरा स्टॉक क्या रहेगा आपका? दूसरा स्टॉक है वीआईपी इंडस्ट्रीज, बिकॉज वीआईपी इंडस्ट्रीज देखिए इस टाइम पे ट्रेवल टूरिज्म काफी अच्छा चल रहा है। इंडिया में कोविड का भी कोई वेव नहीं आया, अभी एटलीस्ट 2-3 क्वार्टर निकल गए हैं और एज ऑफ नाउ डोमेस्टिक टूरिज्म इज डूइंग वेल। बट आगे चल के जैसे जैसे वीजा रूल्स थोड़े से रिलैक्स होंगे तो ओवरसीज टूरिज्म विल ऑल्सो पिकअप। सो इन कंपनीज के अंदर भी रॉ मटेरियल का टेलविंड है, वॉल्यूम ग्रोथ है और अगले 1-2 साल तक प्रॉफिट ग्रोथ काफी आने वाला है। सो आई थिंक वीआईपी इंडस्ट्रीज भी वी आर वेरी पॉजिटिव और हमारा 1000 रुपये से ऊपर का टारगेट है एंड आई थिंक दे विल कंटिन्यू टू डू वेल, मार्केट लीडरशिप है, सो स्टॉक यहाँ से काफी अच्छा दिख रहा है। ठीक है अमनीश, बहुत शुक्रिया आपका ये बताने के लिए। वीआईपी इंडस्ट्रीज आगे चल के जब इंटरनेशनल ट्रैवल थोड़ा और बढ़ेगा तो ये शेयर आपकी लिस्ट में है, और दूसरा अशोक लेलैंड जो आप सीवी साइकिल की बात बोल रहे हैं उसका बेनिफिट भी इस शेयर को मिल सकता है। ठीक है, अलग अलग स्टॉक्स पर हम चर्चा कर ही रहे हैं और ये दो शेयर आपके फंडामेंटल पिक में से भी आ गए हैं। विनोद मोदी भी हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे भी जरा समझ लेते हैं क्या उनका कोई ऐसा फेवरेट शेयर या ऐसा फेवरेट थीम है जो वो बताना चाहते हैं। विनोद, आप कोई ऐसा शेयर या कोई ऐसी थीम जो आप बहुत अच्छे से नोटिस करो और आपको लग रहा है कि हाँ अच्छा मुनाफा बन सकता है, जरा आप भी बताइए। जी हाँ, जहां तक थीम का बात है, हमें लगता है बीएफआई सेगमेंट एक ऐसा है जहां पे अभी भी आपको अच्छे खासा रिटर्न्स कंपनियों में मिल सकती है। और विद इन बीएफआई अगर मैं देखूं तो मुझे लगता है पब्लिक सेक्टर बैंक्स में अभी भी ट्रैक्शन हो सकती है। मुझे याद है लास्ट टाइम भी जब मैंने आया था तो हमने पब्लिक सेक्टर बैंक की बात करी थी, कंपनीज लाइक एसबीआई एंड बॉब। तो जिस हिसाब से इन कंपनियों का में क्रेडिट ग्रोथ का ट्रैक्शन हो रहा है, एट द सेम टाइम बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि ये लोगों की जो एलसीआर रेशियो है काफी बेहतर है कंपेयर टू अदर्स, तो एंड हिस्टोरिकली अगर देखें तो इन कंपनियों ने अपने जो डिपॉजिट लाइबिलिटी फ्रेंचाइज है वो भी काफी अच्छी बिल्ड करी है। तो एक कंसर्न जो अभी इंडस्ट्री लोगों के पास है कि डिपॉजिट ग्रोथ बिल्ड नहीं हो पा रही है कंपेयर टू क्रेडिट ग्रोथ, मुझे लगता है कि अगर वो कंसर्न आएगा तो पीएसबी बैंक वुड बी एट द बेटर प्लेस कंपेयर टू अदर्स, द वे जिस हिसाब से उन लोगों ने ब्रांचेज एक्सपैंड करी है हिस्टोरिकली। तो मुझे लगता है इन सब से चीजों को मद्देनजर रखते हुए मुझे लगता है जो क्वालिटी पब्लिक सेक्टर बैंक है उनमें अभी भी तेजी दिखाई देनी चाहिए गोइंग फॉरवर्ड।